बहुजन समाज पार्टी जब के साथ किया, और इसे भी इस्लामी स्कूल पे एक थोड़ी सी जमीन थी उसमें भी कुछ लोगों ने आक्रमण कर रखा था, तो उसको मैंने मुक्त कराया। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रदेश में चुनाव की अभी अधिसूचना जो है जारी नहीं हुई, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा आरक्षण की सूची जो है जारी कर दी गई। हालांकि आरक्षण सूची आते ही नगर पालिका, नगर निकाय, नगर पंचायत के चुनाव का माहौल जो है गर्म हो चुका है, गहमा गहमी मच चुकी है, घमासान जो है शुरू हो चुका है। प्रत्याशी जो है वोटरों को लुभाने के लिए नई नई तदबीरें जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपने वोट को, अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं, हालांकि इस बार जो है, इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद जौनपुर से 30 किलोमीटर दूर मछली शहर में, और मछली शहर में हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी, युवा बसपा नेता तहसीन मुस्तफा उर्फ गुड्डू जी। मैं इनसे यही जानना चाहूंगा, नगर निकाय चुनाव को लेकर मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा कि नगर निकाय चुनाव में इस बार जो है क्या आपकी दावेदारी है। अगर आपकी दावेदारी है तो आप अपने किन मकसद को लेकर, आप अपने किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में आना चाह रहे हैं, मैं आप बातचीत करना चाहूंगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, मैं तहसीन मुस्तफा बहुजन समाज पार्टी के, मैं प्रत्याशी के रूप में टिकट मांग रहा हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगा। सर, जैसा कि जनता आप पर क्यों भरोसा करे, जनता आप पर क्यों भरोसा करे और आपको वोट दे और चेयरमैन क्यों बनाए, आपने ऐसा कौन सा कार्य किया है? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी में बहुत समय से लगा हूँ और समाज में काम किया हूँ और लोगों के साथ कंधे कंधे मिला के चला हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और पार्टी उनको टिकट देगी। मैं जो जीतूंगा तो सबका विकास करूंगा। आपने ऐसा कौन सा कार्य किया है नगर के लिए, अपने नगर की जनता के लिए, जो आप इस तरीके की बात कर रहे हैं? देखिए, मैंने बहुत धरना प्रदर्शन भी बहुजन समाज पार्टी जब के साथ किया, और इसे भी इस्लामी स्कूल पे एक थोड़ी सी जमीन थी उसमें भी कुछ लोगों ने आक्रमण कर रखा था, तो उसको मैंने मुक्त कराया। तो वो मुक्त कराया तो कोई मेरा पर्सनल मामला था नहीं, मैं एक सामाजिक आदमी था, समाज सेवा कर रहा था, लोगों ने कहा तो मैं उसको अपने उससे लड़के उसको मुक्त कराया, ये मेरा काम था। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आपके मुद्दे क्या होंगे, आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, मुद्दा मेरा ये है कि जो शहर में खुली नाली है, नाला है, इसको बंद कराना है। शहर के बीचों बीच में बहुत बड़ा नाला जा रहा है जो कि आजकल डेंगू चल रहा है, उसको हमने मोटे पाइप से बंद करा के प्लास्टर करवा दे और वो अच्छा हो जाएगा, गंदगी दूर हो जाएगी। इससे क्या कहते हैं कि मछली शहर पर जो बीमारी चल रही ये बहुत दूर हो जाएगी, ये मेरा मुद्दा रहेगा। सर, जैसा कि 2017 के चुनाव में किस पार्टी ने मछली शहर से चुनाव जीता था नगर पंचायत का? 17 में समाजवादी पार्टी जीती थी, जो कि बहुजन समाज पार्टी बहुत कम अंतराल से चुनाव हारी थी। अब कुछ मामला था जो कि प्रत्याशी के वजह से हम लोग चुनाव हारे। सर, जैसा कि 2017 में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, तो क्या 5 साल कार्यकाल मुकम्मल हुआ, तो उनके कार्यकालों को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, मैं किसी के कार्यकाल का तुलना नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरा कोई वो काम तो है नहीं, मगर मैं इतना जानता हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा तो मैं उससे बेटर करूंगा। सर, जैसा कि मछली शहर में जो है सब्जी मंडी नहीं है, बच्चों के लिए जो है खेलने के लिए कोई पार्क नहीं है, और बड़े लोगों के लिए ओपन जिम नहीं है, पढ़ने के लिए कोई लाइब्रेरी नहीं है, इसी तरीके से बड़े कॉलेजेस, हॉस्पिटल, इन सब मुद्दों को लेकर आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो बच्चे जो पढ़ने के लिए परेशान होते हैं, उसके लिए लाइब्रेरी बनाना बहुत जरूरी है। जब हम चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहले एक काम ये करेंगे, और दूसरा मेरा ये रहेगा कि जो मछली शहर में कम्युनिटी हॉल नहीं है, शादी ब्याह के लिए कोई व्यवस्था के गरीबों के लिए नहीं है,
मैं सबसे पहले दो कमेटी हॉल की व्यवस्था करूंगा, एक पूर्व के साइड में एक पश्चिम के साइड में, जना दोनों एरिया में बटर रहेगा और दूर किसी नहीं लगेगा। तो उसका नाम बराबर चार्ज रखूंगा कि 3,035 रुपए रख के हर गरीब अपनी शादी वहां कर ले, 1,50,000-1.5 लाख में कहीं उसको मैरिज गार्डन लेना ना पड़े। ये मेरा पहला प्राथमिकता ये भी रहेगा। दूसरा ये है कि शहर के अंदर जो भी जिम नहीं है, ओपन जिम बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए कि बच्चे अब फिटनेस का बहुत जरूरी है, फिटनेस होना जरूरी है। बच्चे आजकल फोर्स में जा रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम जगह क्लास के एक जिम की व्यवस्था करूंगा। दूसरा आपने पूछा है कि वो क्या पूछा, सब्जी मंडी। सब्जी मंडी के लिए जगह नहीं है, नगर पंचायत द्वारा कहीं भी जमीन देखा जाएगा, जो नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर जमीन दिखेगी उसको अधिकृत किया जाएगा, इसलिए नगर पंचायत के अधिकार में रहता है, तो अधिकृत करके सब्जी मंडी बनाया जाएगा। वहाँ के सब्जी व्यापारी बेचारे जो परेशान है उनकी परेशानी दूर करूंगा, जो विवाद रहता है। चलिए ये बताइए कि नगर की सुरक्षा और मान सम्मान के लिए आप क्या करेंगे? नगर सुरक्षा मान सम्मान ये है कि नगर सुरक्षा तो भाई ये प्रशासन करता है, सुरक्षा तो हमारा जहाँ तक है हम उनके साथ में रहेंगे, कोई व्यवस्था ऐसी ना हो कि किसी के साथ कोई बदतमीजी हो। देख रहे नगर की मुख्य समस्या क्या है? नगर का मुख्य समस्या ये है कि पूरे शहर में सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। ये हम चाहते हैं कि विकास हो, जो नाला खुला है, जो लाइट की व्यवस्था है, जो सफाई की व्यवस्था है, ये बहुत अच्छा क्वालिटी होना चाहिए। ये मुझे जानकारी है कैसे करना है, इसलिए मेरी पूरी जिंदगी जो मेरे बाप की नगर पालिका में थी, अब मैं उनसे सीखा हूँ कि काम कैसे करना है, क्या कराना है, अब मैं उसको कराऊंगा। हाँ, जैसा कि आपने नगर पालिका की बात की, आपके पिताजी भी अधिशासी अधिकारी रह चुके हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पिताजी जब नगर पालिका के नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी थे, तो नगर पंचायत बहुत छोटी सी थी, बहुत कम इसका आय का स्रोत था। आज नगर पंचायत में आय का स्रोत बहुत ज्यादा है, जिस तरह से आय के स्रोत है उस तरह से विकास नहीं है, इसलिए मैं विकास करने के लिए आय के स्रोत तो विकास होगा। और मेरा मानना है कि मच्छी शहर में इस बार बहुजन समाज पार्टी जो है सरकार बनाएगी और विकास करेगी। जैसा कि वर्तमान में जो चेयरमैन है उनके 5 साल जो है मुकम्मल हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकारी योजनाएं जो है जनता तक पहुंचाई या और कोई कार्य किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सी योजनाएं ऐसी है जो कि मतलब वर्तमान चेयरमैन के कार्यों को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, फिर आपसे कह रहा हूँ कि मैं उनके कार्यकाल को मैं तुलना नहीं कर रहा, मैं उनके कार्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता के कार्यों की बात कर, जनता के हित के लिए कोई कार्य हुआ या नहीं, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि बनने के लिए आपने दावेदारी की है, तो इसलिए जो है मेरा सवाल पूछना कि मतलब हुआ है नहीं, वो ये बताइए। नहीं, वो जो किए हैं वो किए हैं, वो अच्छा किए हैं, क्या खराब किए मुझे उस बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैं किसी भी पार्टी के बारे में क्या किया। अच्छा, ये बताइए, सरकारी योजना जैसे शौचालय है, प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या ये नगर में कुछ कार्य? शौचालय की बात आप करेंगे, शौचालय बहुत सारे बंद पड़े हैं यहाँ पे, जो खुले नहीं है उसको खुलवाना चाहिए, स्वच्छ भारत में उसको साफ सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए। अभी आप चले जाइए, तहसील में शौचालय बंद है, अभी चले जाइए वहां डॉक्टर जायस साहब के घर के पास, वहां ताला लगा पा, तो मैं किस कार्यकाल को उनका काम को उनको तुलना करूं? प्रधानमंत्री आवास योजना को किस नजर से? प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसा कि नगर में अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि 1700 मकान बने हुए, इस पर देखिए मकान बने हैं तो ये तो सबका है ना, ये शासन प्रशासन का जो स्कीम रहती है सबके लिए रहती है, कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। ये जब भी शासन कोई स्कीम लाती है, कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बहुजन, हमने भी बहुत किया, बहुजन समाज पार्टी ने बहुत किया, ऐसा थोड़ी है। अच्छा। मगर अब जिसकी सरकार है तो उसका लोग तारीफ करते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब इस बार आपने पूरा मन बना लिया है कि मैं जो है चेयरमैनी का चुनाव लड़ूंगा? देखिए, पार्टी द्वारा मुझे सिंबल मिलेगा तो मैं 100% चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा, इसलिए कि बहन जी का ये कहना है कि दलित और मुस्लिम को हम इस बार जो है गठजोड़ करके चुनाव को देखूंगा, और उसी हिसाब से मैं अपना दावेदारी किया। सामान सीट है, सामान में मैं आता हूँ, 25 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी के छोटा से कार्यकर्ता हूँ, और इंशाल्लाह मैं चुनाव जीतूंगा, मुझे टिकट मिला तो मैं चुनाव जीतूंगा, इसलिए मेरे साथ 3500+ वोट है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि तहसीन मुस्तफा उर्फ गुड्डू भाई ने बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा। इसी तरीके की खबरों को देखने के लिए आप हाफिज नियामत को फॉलो करें। तब तक के लिए दोस्तों, मैं अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।